नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्य प्रिंसिपल उमाशंकर शर्मा ने बताया कि सरकार से प्राप्त आदेश अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं, जिसमें बोर्ड की कक्षाओं 10 और 12वीं के बच्चे सुबह 9:30 से 3:30 बजे और लोकल कक्षा 9वीं तथा 11वीं के बच्चे सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूल आ सकेंगे। वह स्कूल में हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने कक्षा की सुरक्षा की दृष्टि से कक्षाओं में अधिक संख्या होने व कक्षाओं की क्षमता अनुसार बच्चों को निश्चित अनुपात में विभाजित कर बैठने व्यवस्था की गई है और डिस्टेंसिंग स्थापित किया जा सके, जिससे कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहा जा सके, क्योंकि भले ही कोविड वैक्सीन आ चुकी है लेकिन कोरोना अभी भी गया नहीं है, इससे सतर्क रहना अति आवश्यक है। जल्दी से मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। कोरोना की वजह से काफ़ी दिनों से स्कूल बंद थे, हमको आज खुशी है जो आज स्कूल खुले हैं हमारे और हम स्कूल पढ़ने के लिए आए हैं। सर्दी में अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा नाम था कोरोना की वजह से स्कूल में छुट्टी है, हमें काफ़ी लॉस हुआ है और अब स्कूल खुल गए हैं तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और हम डेली पढ़ने आएंगे और हम डेली पढ़ने स्कूल आएंगे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, अब खुले हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पढ़ाई बहुत लॉस हुई है, अब स्कूल खुल गए हैं तो बहुत अच्छा। आज राज्य सरकार के आदेशों की पालना में विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें कक्षा 10th और 12th का समय 9:30 से 3:30 बजे तक है। कक्षा 11वीं और 9वीं का समय 10 से 4 बजे तक है। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार आधे विद्यार्थियों को आधे दिन 3 दिन और आधे विद्यार्थियों को 3 दिन लाया गया। इससे जो छात्र कमजोर हैं उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं की भी योजना बनाई है। सैनिटाइजर, मास्क आवश्यक किया गया है और विद्यालय को नियम के अनुसार ही सज्जित किया जाएगा ताकि राज्य कार्य की पालना हो सके। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता अंकुर जादौन की रिपोर्ट।